लेट्स डिस्कस यूनिट सेल। अब यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टल। जो पूरा क्रिस्टल बनता है तो उसका जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है, जिसके रिपीटेशन के वजह से क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। सो यूनिट सेल इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नोन एज यूनिट सेल, इज नोन एज यूनिट सेल, उसको यूनिट सेल कहना चाहिए। अब इसको ड्रॉ कैसे करते ऑन पेपर? सो याद रखे, यूनिट सेल इज ड्रॉन ऑन पेपर बाय ड्रॉइंग लाइंस कनेक्टिंग सेंटर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। देखिए ये कन्वेंशन याद रखे। अब डेफिनेटली जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग जो पार्ट होगा वो माइक्रोस्कोपिक होगा, तो उसे हम ऑन पेपर किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं? तो लाइंस जो है, जो सेंटर को, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के सेंटर को ज्वाइन करके हम दिखाएंगे, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्फीयर इन क्रिस्टलोग्राफी। याद रखना, क्रिस्टल की स्टडी क्रिस्टलोग्राफी में होता है। सो ईच पॉइंट एट इंटरसेक्शन, याद रखना, सो ईच पॉइंट एट इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस इन यूनिट सेल रिप्रेजेंट्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। सो एनी पॉइंट एट इंटरसेक्शन, उसे लैटिस पॉइंट कहना चाहिए, याद रखना। सो एनी पॉइंट एट इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट, उसको लैटिस पॉइंट कहना चाहिए। और लैटिस पॉइंट्स सेम एनवायरमेंट्स में आइडेंटिकल होते हैं। सो इन सेम एनवायरमेंट लैटिस पॉइंट्स आर आइडेंटिकल, यानी एक ही क्रिस्टल की अगर बात हो रही है तो एक ही क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट्स आइडेंटिकल होंगे, और उनके कलेक्शन को हम स्पेस लैटिस कह सकते हैं। एंड देयर कलेक्शन इज कॉल्ड एज स्पेस लैटिस, उसे स्पेस लैटिस कहना चाहिए। सो इट वॉज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द यूनिट सेल। अब यूनिट सेल के बाद अगला पड़ाव है ब्रेविस लैटिसेस। लेट्स डिस्कस ब्रेविस लैटिसेस एंड सेवन क्रिस्टल सिस्टम। ब्रेविस लैटिसेस एंड सेवन क्रिस्टल सिस्टम। अब देखिए, ब्रेविस फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने प्रूव किया कि 14 किस्म से हम लोग ये सब चीजें ड्रॉ कर सकते हैं, उन्हें 14 ब्रेविस लैटिसेस कहना चाहिए। सो फ्रेंच मैथमेटिशियन
ब्रेविस ब्रेविस प्रूव दैट लैटिस पॉइंट्स कैन बी लैटिस पॉइंट्स कैन बी अरेंज्ड कैन बी अरेंज्ड इन मैक्सिमम ऑफ 14 टाइप्स। हम 14 तरह से उनको अरेंज कर सकते हैं, उन्हें ब्रेविस लैटिसेस कहना चाहिए, विच आर नोन एज ब्रेविस लैटिसेस, उनको ब्रेविस लैटिसेस कहना चाहिए, याद रखना। अब जो क्रिस्टल लैटिस होता है, क्रिस्टल लैटिस कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स, अभी अभी हमने देखा। क्रिस्टल लैटिस कैन बी ड्रॉन विथ द हेल्प ऑफ पॉइंट्स, विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, रिप्रेजेंटिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा क्रिस्टल हम देख रहे हैं। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट्स, याद रखना। सो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स एंड व्हेन कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन्स, व्हेन कनेक्टेड बाय वॉट स्ट्रेट लाइन्स गिव द शेप ऑफ क्रिस्टल लैटिस, गिव द शेप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। लैटिस पॉइंट्स को जब आप कनेक्ट करोगे तो हमें शेप मिलेगा क्रिस्टल लैटिस का। शेप ऑफ क्रिस्टल लैटिस डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। देखिए दो फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, हम जिस किसी क्रिस्टल की स्टडी करते हैं तो उस क्रिस्टल लैटिस का शेप क्या होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। सो शेप ऑफ क्रिस्टल लैटिस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहला होता है लेंथ ऑफ 3 एजेस ऑफ यूनिट सेल, लेंथ ऑफ 3 एजेस ऑफ यूनिट सेल, जिसको हम एबीसी बुला सकते हैं, एबीसी मान के चलो, दीज आर द एजेस। और दूसरा एंगल बिटवीन द 3 एजेस ऑफ यूनिट सेल, एंड सेकेंड फैक्टर इज एंगल्स बिटवीन 3 एजेस ऑफ यूनिट सेल। अब इसको हम अल्फा बीटा गामा बुला सकते हैं, एन एंगल्स। सो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल कैन बी अरेंज्ड इन 7 डिफरेंट वेज, उसे 7 क्रिस्टल सिस्टम कहा जाता है, यानी एडजेस और एंगल्स चेंज करके, याद रखना। सो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल कैन बी अरेंज्ड इन 7 डिफरेंट वेज, 7 डिफरेंट वेज, ऐसे बाय चेंजिंग द एडजेस एंड एंगल्स, ऐसी बात है। सो 7 डिफरेंट वेज कैन बी एक्सप्लेन बाय चेंजिंग द एडजेस, यानी ये जो लेंथ एबीसी है इनको चेंज करके, और एंगल्स अल्फा बीटा गामा इनको चेंज करके हम 7 अलग अलग
क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बता सकते हैं। अब सेवन क्रिस्टल सिस्टम में सबसे पहला वैरायटी हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक लैटिस। क्यूबिक लैटिस, अब देखिए अभी अभी हमने देखा कि एडजेस की लेंथ और एंगल बिटवीन द एडजेस अगर हम चेंज करते हैं तो हम अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम देख सकते हैं। सो सबसे पहला क्यूबिक लैटिस। अब क्यूबिक लैटिस बोले तो इट इज ए टाइप वेयर ऑल द एडजेस इन यूनिट सेल आर सेम, यानी उनका एज लेंथ सेम होगा। मान के चलो ए बी सी आर द एडजेस, देन ए इक्वल्स टू बी इक्वल टू सी होगा, और एंगल जो होंगे बिटवीन द एडजेस आर फाउंड टू बी 90 एंड ऑल एंगल्स आर सेम। तो सबसे पहली बात ये याद रखना होगा, ऑल द एडजेस इन यूनिट सेल आर सेम, दैट इज हम बोल सकते हैं ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। दूसरी बात, ऑल एंगल्स आर सेम एंड 90, सो एंगल्स बिटवीन एडजेस आर सेम एंड 90 डिग्री, यानी हम यहां पे बोल सकते हैं दैट इज अगर अल्फा बीटा गामा हम एंगल्स कंसीडर करें तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा विच इज जस्ट इक्वल टू 90। अब इसके तीन टाइप्स के यूनिट सेल्स हम बता सकते हैं। सो यहां पे हम बोल सकेंगे थ्री टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल्स कैन बी गिवन। अब इसमें सबसे पहला टाइप बता सकते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद दूसरा वैरायटी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सो दीज आर द थ्री टाइप ऑफ क्यूबिक लैटिसेस विच कैन बी एक्सप्लेन। अब क्यूबिक लैटिस के बाद सेकेंड वेराइटी हैपन्स टू बी टेट्रागोनल लैटिस। अब देखिए टेट्रागोनल लैटिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी साइड्स है साइड्स में से दो साइड्स यानी दो एजेस जो है वो सेम होंगे। सो टू एजेस आर सेम एंड थर्ड डीफर फॉर श्योर। सो टू एजेस आर सेम, दैट इज ए और बी सेम है लेकिन सी जो है वो डिफरेंट होगा। रही बात एंगल्स की, एंगल सेम होंगे वो भी 90 होंगे। सो एंगल बिटवीन एडजेस आर सेम एंड 90 डिग्री, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा एंड विच इज जस्ट इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड। सो इट फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स जिसमें पहला प्रिमिटिव होगा। सो प्रिमिटिव जिसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव टेट्रागोनल लैटिस और उसके बाद दूसरा जो वैरायटी है दैट हैपन्स टू बी बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल लैटिस। ऐसे दो किस्म के हम यूनिट सेल्स बता सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज ऑर्थोरोम्बिक लैटिस। इसके बाद तीसरा आता है
ऑर्थो रोम्बिक लैटिस। अब ये जो ऑर्थोरोम्बिक वैरायटी है इसमें हमें समझना होगा तीनों के तीनों जो एज है उनके लेंथ्स अलग होंगे। सो ऑल द एजेस आर डिफरेंट। सबसे पहली बात, ऑल एजेस आर डिफरेंट, ऑल एजेस आर डिफरेंट, दैट इज ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, यानी ये पूरे के पूरे डिफर करें। अब रही बात एंगल्स की, एंगल्स बिटवीन द एजेस आर सेम एंड 90, यानी इनमें कोई बदल नहीं दिखेगा। सो एंगल बिटवीन एजेस आर सेम एंड 90, दैट इज इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गैमा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसके टोटल चार प्रकार हम बता सकते हैं जिसमें प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, ऐसे चार। सो इट फॉर्म्स फोर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स जिसमें पहला प्रिमिटिव वैरायटी है जिसे हम प्रिमिटिव ऑर्थोरोम्बिक लैटिस कह सकते हैं, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, तीसरी वैरायटी हम बता सकते हैं एंड सेंटर्ड और चौथा आता है फेस सेंटर्ड। फोर्थ वैरायटी इज फेस सेंटर्ड। सो इस प्रकार से ऑर्थोरोम्बिक लैटिस के अंदर चार अलग अलग वेराइटीज में यूनिट सेल्स पाए जाते हैं या हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टू ऑर्थोरोम्बिक लैटिस लेट्स हैव मोनोक्लिनिक लैटिस। सो फोर्थ वेराइटी हैपन्स टू बी मोनोक्लिनिक लैटिस। अब देखिए मोनोक्लिनिक लैटिस का कैसा है, पूरे के पूरे जो एज लेंथ है वो तो अलग होंगे, ऑल एजेस इन द यूनिट सेल आर डिफरेंट। अब रही बात एंगल की, दो एंगल सेम होंगे वो भी 90 डिग्री होगा और तीसरा एंगल जो है विच विल नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री, याद रखें। सो ऑल द एजेस आर डिफरेंट। सबसे पहली बात, That is A is not equals to B is not equals to C if we consider ABC as edge length. अब रही बात angles की, two edge angles are same and 90 degree, but थर्ड वन इज डिफरेंट, तीसरा एंगल जो है वो डिफर करेगा, दैट इज अल्फा और बीटा मान के चलो सेम है और 90 डिग्री है, बट गैमा इज नॉट इक्वल्स टू 90, वो अलग होगा। इसके दो टाइप्स पाए जाते हैं, एक प्रिमिटिव दूसरा एंड सेंटर्ड। सो टू types of unit cells can be given जिसमें सबसे पहला टाइप होगा प्रिमिटिव यानी प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक लैटिस और दूसरा एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक लैटिस। नाउ नेक्स्ट टू मोनोक्लिनिक लैटिस अगला टाइप आएगा ट्राइक्लिनिक लैटिस, अब देखिए ट्राइक्लिनिक जो वैरायटी है इसमें पूरे के पूरे एजेस अलग होंगे और एंगल्स भी अलग होंगे और 90 नहीं होंगे, याद रखना। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑल द एजेस आर डिफरेंट, ऑल द एजेस आर डिफरेंट, दैट इज ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी।
एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो डिफरेंट एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. इसका मतलब ये होगा दैट इज अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गैमा इज नॉट इक्वल्स टू 90. और ये एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. इट एग्जिस्ट इन वन टाइप ऑफ यूनिट सेल दैट इज प्रिमिटिव. ओनली प्रिमिटिव ट्राइक्लिनिक लैटिस इज रिपोर्टेड. अब ट्राइक्लिनिक लैटिस के बाद हेक्सागोनल लैटिस. नेक्स्ट वन इज हेक्सागोनल लैटिस. अब देखिए हेक्सागोनल लैटिस का ऐसा है कि दो साइड्स दो एडजेस सेम होंगे तीसरा डिफर करेगा. सो टू एडजेस आर सेम. इसका मतलब ये होता है ए इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी. सी डिफर करेगा. और रही बात एंगल्स की अल्फा और बीटा 90 डिग्री होंगे और गामा जो है दैट हैपेंस टू बी 120 डिग्री याद रखना. सो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 एंड गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री. यानी दो एंगल सेम होंगे वो भी 90 डिग्री और गामा जो है वो 120 डिग्री होगा. ये भी प्रिमिटिव टाइप में एग्जिस्ट करता है. इट ऑल्सो एग्जिस्ट एज प्रिमिटिव हेक्सागोनल लैटिस. इट एग्जिस्ट एज प्रिमिटिव हेक्सागोनल लैटिस ओनली. अब लास्ट इज रोम्बोहेड्रल लैटिस. सो सेवेंथ वन इज रोम्बोहेड्रल लैटिस. अब रोम्बोहेड्रल लैटिस में क्या होता है पूरे के पूरे एडजेस सेम होंगे. ऑल एडजेस आर सेम ऑल एंगल्स आर सेम बट नॉट 90 याद रखना. सो ऑल एडजेस आर सेम दैट इज ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो सेम बट नॉट 90. ऑल एंगल्स आर सेम बट नॉट 90 डिग्री दैट इज अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा बट इज नॉट इक्वल्स टू 90. अब ये भी एक ही टाइप में एग्जिस्ट करता है याद रखना. सो इट एग्जिस्ट इन वन टाइप ओनली. सो दीज आर द सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स फॉर क्रिस्टल्स. अब हम अगर इन सभी को मिलाते हैं जैसे क्यूबिक लैटिस में दो टाइप्स टेट्रागोनल लैटिस में हमने इतने टाइप्स देखे टू टाइप्स क्यूबिक में कितने देखे थ्री टाइप्स देखे तीन उसके बाद इसके दो सभी के जब हम ऐड करेंगे तब टोटल मैक्सिमम पॉसिबल वेराइटीज होंगे 14 जिन्हें हम ब्रेविस लैटिसेस कहते हैं. सो इट वॉज ऑल अबाउट सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स.